केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। त्यागी समाज की एक किशोरी से छेड़छाड़ व पिटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज समाज के लोगों ने मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। त्यागी समाज के नेता मांगीराम त्यागी ने खुलकर आरोप लगाया है कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर इस मामले में जातिवादी राजनीति कर रहे हैं। अगर ऐसे जघन्य मामले में ऊर्जा मंत्री सिफारिश करेंगे तो उनके घर के आगे टेंट लगा दिया जाएगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार सोमेंद्र को इसका खामियाजा भुगतना भी पड़ेगा। एसएसपी को दिए शिकायती पत्र के मुताबिक शास्त्री नगर निवासी किशोरी से जागृति विहार निवासी ईशान छेड़छाड़ करता है। इसकी शिकायत लेकर किशोरी के पिता ईशान के घर गए तो दोनों को बंधक बनाकर पीटा गया। अब आरोपी युवक छात्रा को गंदे मैसेज भेजकर परेशान कर रहा है। इस बारे में त्यागी राजनीति से जुड़े मांगेराम त्यागी ने मीडिया को यह जानकारी दी। मेरा नाम मांगेराम त्यागी। जी, कहां के रहने वाले हो? मैं यही कह समझो मेरठ का जनपद पूजा फनल पड़ता है। आज एसएसपी ऑफिस आए हो, क्या पूरा मामला? देखिए, यहाँ से लगभग 18 दिन पहले एक लड़की है हमारी 13-14 वर्ष की, उसकी साथ छेड़ाछेड़ी करी। उसके फादर को और उस लड़की को आज शिकायत, उसके पिताजी लड़की को लेकर वहाँ चले गए उनके घर पे। वहाँ उनको दोनों को बंद कर लिया गया और लड़की के साथ में उसके फादर के साथ में इतने दर्दनाक तरीके से उनकी पिटाई करी है। लड़की के साथ में बदतमीजी करी है जो हम नहीं बता सकते। और ये मेरे बराबर में उसके पिताजी खड़े हैं और उसमें FIR दर्ज करी पुलिस ने, पोक्सो लगी। लेकिन मुझे कहने में बड़ी संकोच हो रहा है, जिसे भगवान रूप मानते हैं हम न्यायालय पे, माननीय न्यायालय पे उंगली उठाते, लेकिन क्या कारण है इसके पीछे कि चौथे दिन पोक्सो में जमानत होगी लड़के के फादर की। लड़का गलत सलत इनके यहाँ से मैसेज कर रहा है। आज SSP साहब से मिले, संतोषजनक बात हुई, जिला बदर के लिए इन्होंने कह दिया। और हम चेतावनी दे रहे हैं यहाँ के मंत्री को, कोई मंत्री कहिए सोमेंद्र तोमर, मतलब यो इतना जातिवाद फैल गया भाई। आप मंत्री हो, आपको 36 को हमने वोट दे रखी और आप जो है ना विशेष समाज का करोगे। यहाँ तो तुल प्रधान भी है, हमारे त्यागी समाज ने उसको पूरा समर्थन किया था, तो तुम कहाँ की बात कर रहे भाई? भाई दिमाग की जो है ना नस खोल लियो अपने। आगे चुनाव आ रहे 1.5 साल में ही, और अगर सोमेंद्र तोमर जी लड़की है और बच्चे तुम्हारे भी हैं, अगर ऐसे जघन्य मामले में आप सिफारिश करोगे तो अंजाम बुरे होंगे। हम न चुड़ी नहीं पा रखी, हम तुम्हारे से कहीं भी पतड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दिमाग हमने बिल्कुल वो कर लिए। मैं भी मांगेराम त्यागी हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ त्यागी भूमि आप ब्राह्मण समाज का, और चेतावनी दे रहे आपके घर के आग गई टेंट लग जाएगा, जो कुछ हो ना पुलिस को लाठी बरसा दियो, गोली चलवा दियो, डरने के नहीं। अरे धी बेटी सबका है, सभी समाज का है। अगर गुज्जर समाज की भी कहीं लड़की के साथ अब वो होता है, अपमान होता है, बच्चे के साथ अपमान होता है, गलत होता है, तो हमारा समाज वहाँ भी खड़ा है। और हम पुलिस प्रशासन से अभी हमने यहाँ से SSP साहब से मिले, बहुत संतोषजनक बात हुई। संबंधित थाना इंचार्ज को, मेडिकल वाले को इन्होंने फ़ोन भी किया और कार्रवाई करने की वो करी। और अब जा फिर हमारा बाद में यही है कि मैं आप लोगों को धन्यवाद दे रहा हूँ, आपके चैनल को धन्यवाद दे रहा हूँ, प्रेस को धन्यवाद दे रहा हूँ कि कम से कम योगी जी जो बात कर रहे हैं ना बच्चों के, लड़कियों के मान सम्मान की, और लड़की पढ़ाओ और देश बचाओ, फलाना करो ढिगड़ा करो, यो मेरठ में आकर देख लो क्या सभी जनपदों में बछरा देश और बछरी लड़की। तो हमारी यही चेतावनी है कि भाई सुधर जाओ, समय रहते कर लो, नहीं तो कोई तुम्हें छुड़ाने वाला नहीं मिलने का। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FirstBite.tv। नमस्कार।